बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है इंटीजर का, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड. बात हो रही है रिपीटेड की. हाउ मैनी डिफरेंट थ्री डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब आखिर ये थ्री डिजिट नंबर होता क्या है? देखो, अगर बात 1, 2, 3, 4 की हो, ये हमारे यूनिट डिजिट कहलाते हैं. 10, 20, 30 की हो तो 10 डिजिट कहलाते. टू डिजिट नंबर में खाली यूनिट और 10 की बात होगी, लेकिन यहाँ तो थ्री डिजिट की बात हो रही है, तो 100 भी आएगा, यानी 100, 200, 300. अब डिजिट रिपीटेड होने का मतलब ये है कि जो नंबर है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई सा भी यूनिट डिजिट में आ सकता है. कोई सा भी बोले तो यानी 6 के 6. अब 10 डिजिट पे कौन आएगा? सारे 6 अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है. और रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो जो यूनिट पे आ गया था वो 10 पे नहीं आता. लेकिन अभी तो कह रहे हैं हाँ जी, डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ. तो भाई यहाँ भी सारे के सारे नंबर आ सकते हैं. फिर करो 4 यहाँ आ गया तो यहाँ भी आ जाएगा, तो 100 पे भी आ जाएगा. जी हाँ, इस पे भी आ जाएगा. तो 6 × 6 = 36 × 6 = 260. हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 216. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो बड़ा अच्छा सवाल है, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, हाउ मैनी डिफरेंट थ्री पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यार अब बात आ गई है नॉट की. एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, हाउ मैनी डिफरेंट थ्री डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यार 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 बिल्कुल तब्दीली हो गई. यूनिट डिजिट पे तो हम 6 के 6 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी. अब जो नंबर यूनिट डिजिट पे आ गया, क्या वो 10 डिजिट पे आ सकता है? नहीं आ सकता. तो 10 डिजिट के लिए कितने नंबर बचेंगे? 5. फर्स्ट करो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया. लेट सपोज, जैसे कि कहते हैं ना, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 10 डिजिट नंबर के लिए अब 2 और 3 तो नहीं आ सकते, बाकी के 4 नंबर आ सकते. तो इसका मतलब है ये समझ लो यहाँ 6 ही आ गया, ये इस तरह ही समझ लो यहाँ 5 आ गया. तो अब यहाँ 1, 2, 3, 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ. जब रिपीटेशन अलाउ होती है तो उसमें ऐसे नंबर भी आ जाते हैं, जैसे कि फर्ज करो 111, 222, लेकिन यहाँ अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है. ठीक है, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड. अब इसका आंसर निकाल लेते हैं. 6 × 5 = 30, 30 × 4 = हाँ जी कितना होगा? 1200, 120. तो हमने यहाँ पे सिंपल सी बात ये देखी कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड और डिजिट कैन बी रिपीटेड. यहाँ पे डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पे डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है. बड़ा ही प्यारा सवाल, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी different three positive whole number can be formed with the number 1, 2, 3, 4, 5 and 0. yes, tabdili yahan hai. is case mein kya include ho gaya bachcho? 0 include. okay, isse pehle jab the to 0 include nahi tha. ha, repetition allow hai. well bachcho, ek badi aham baat hai. agar main ek number likhu 032, ये 2 डिजिट नंबर कहलाएगा या 3 डिजिट? 2 डिजिट, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए इट्स ओके. जैसे कि 230 है, यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता है, लेकिन 100 डिजिट पे 0 आएगा तो फिर वो 3 डिजिट ही नहीं रहा, वो तो 2 डिजिट हो गया. यानी कि बोले तो अब 100 डिजिट पे सिर्फ 5 नंबर आ सकते हैं, 5 नंबर आ सकते हैं 0 के अलावा, बाकी 5. लेकिन चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, कैन बी रिपीटेड, तो 10 डिजिट पे तो 6 के 6 आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, और यूनिट पे भी सारे आ सकते हैं. तो 6 × 6 = 36, 36 × 5 = 180 इज योर आंसर. कोई भी आ जाएंगे ना 1, 2, 3, 4, 5 में से. भाई बड़ा अच्छे सवाल है, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, हाउ मैनी डिफरेंट
थ्री डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0. अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो उस पर फोकस है नॉट पे. अब देखो दो बातें, जीरो भी आ गया और नॉट भी आ गया भाई. 100 डिजिट पे तो कोई से भी 5 नंबर आ जाएंगे. कौन से 5? अरे 1, 2, 3, 4, 5 यार, 0 तो नहीं आ सकता. अब फर्ज करो यहाँ कोई एक नंबर आ गया, 5 आ गया, तो ये तो दोबारा नहीं आ सकता. तो क्या आएंगे बाकी के 5 नंबर? बाकी के 5 क्यों? क्योंकि अब 0 भी आ सकता है. यहाँ तो आ सकता है ना. अच्छा जी, अब फर्ज करें यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ठीक है, 2 नंबर ये आ गए. तो अब ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 और 3 के अलावा बाकी 4 आ सकते हैं. तो टोटल कितने डिजिट आ सकते हैं? 4. यानी कि हम कहेंगे कि 5 5 25 25 4 100. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 100. किसका करेक्ट आंसर होगा 100? जब 0 भी इंक्लूड होगा और डिजिट नॉट अलाउ. ठीक है, फिर वही बात यार, यहाँ एक नंबर आ गया 2, यानी 2 के अलावा भी आ सकता था ना, 0 के अलावा कोई भी 5 नंबर आ सकता है. अब जो नंबर यहाँ गया वो यहाँ नहीं आएगा 10 डिजिट पे. 0 समेत बाकी 5 नंबर आ सकते हैं. अब एक नंबर ये और एक नंबर ये दोनों जो आ गए हैं तो यहाँ क्या आ सकते हैं? ये दोनों नहीं आ सकते. तो कितने बचे? 4 नंबर. तो 5 5 25 25. बड़ा अच्छा सवाल है. एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड की बात है, हाउ मैनी डिफरेंट थ्री डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 1 1 1 1 1 1? यार देखो, सब तो सिर्फ 1 1 मौजूद है, लेकिन रिपीटेशन अलाउ कर दी है एग्जामिनर ने. तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1 ही आ सकता है. 1 के अलावा तो कोई नंबर दिया ही नहीं है, सारे 1 ही दिए हैं. 10 डिजिट पे भी क्या आ सकता है 1, 100 पे भी क्या आ सकता है 1, और वैसे बनेगा क्या ये नंबर 111? यानी एक ही नंबर बन सकता है. तो आंसर 1 × 1 × 1 क्या होगा? 1. तो आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि दिया वही क्या था बच्चों. अगला केस और ज़्यादा धुआंधार. एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन नॉट, जनाब नॉट आ गया, बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है. हाउ मैनी डिफरेंट थ्री पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 1 1 1 एंड 1? जनाब जनाब जनाब, अगर यूनिट डिजिट पे 1 आ गया तो 10 पे तो नहीं आ सकता. नहीं आ सकता भाई, एक दफ़ा ही आ सकता है ना. तो 10 डिजिट पे क्या आएगा? 0, यानी कोई नंबर हो ही नहीं सकता. ऐसा कोई नंबर बन ही नहीं सकता ना भाई. भाई देखो ना, 1 1 ही मौजूद है. ये 1 या तो यूनिट पे आएगा या 10 पे, 100 पे, तीनों पे तो नहीं आ सकता. इसका मतलब 3 डिजिट नंबर बन ही नहीं सकता. जब खाली 1 1 दिए हों और रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो करेक्ट आंसर होगा 0. बड़े अच्छे क्वेश्चन है. ईच ऑफ द नंबर्स 1 through 20 इज रिटन ऑन अ सेपरेट एंड प्लेस इन अ बॉक्स. ए सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स. ऑप्शन ए एन ऑड नंबर और अ प्राइम नंबर. पार्ट 1 और पार्ट 2 एन इवन और प्राइम नंबर. अब तो ये ऑड नंबर आखिर होते क्या हैं भाई? जो 2 से डिवाइड ना होते हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तक, 1 से 20 तक में ये 10 हैं जो प्राइम नंबर आते हैं. तो इन्होंने तो क्या बोला है? ऑड नंबर है. ऑड और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना होता हो? पहला प्राइम नंबर है 2, जो कि वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. तो मुझे कह रहे हैं ऑड और प्राइम नंबर. तो मेरे भाई बात सुनो, मैं इसमें डबल काउंटिंग नहीं होती. ये नंबर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं ऑड के अलावा सिर्फ एक प्राइम नंबर को ऐड करूंगा, किसको? 2. 10 ये हो गए और एक 2 को शामिल कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 upon 20. अब अपॉन में 20 तो आएगा क्योंकि 20 नंबर की बात हो रही है. ये हो गया आंसर ऑड और प्राइम नंबर का. इवन और प्राइम नंबर का क्या होगा? वेल ज़रा देखो, इवन जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से 20, 10 नंबर, तो ये हो गया. अब प्राइम नंबर में से 2 तो ऑलरेडी इसमें शामिल है. मैं 2 के अलावा बाकी प्राइम नंबर को काउंट करूँगा, जो कि कौन कौन है? 3 है 5 7 11 13 17. 10 इवन और इवन के अलावा 6 प्राइम,
क्योंकि कह रहे हैं ना इवन और प्राइम, तो ये कितने हो गए 16 अपॉन 20 यानी 4/5। ये किसका आंसर आ गया भाई? इवन नंबर और प्राइम का। और ऊपर वाला किसका था? ऑड नंबर और प्राइम नंबर। प्रीवियस में करेक्शन कर लें, 19 भी शामिल है, तो यहाँ पे 16 नहीं 17/20 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये दूसरे वाले का 17/20।